खबर इंदौर से है, जहां एक गांव में तेंदुए ने 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। वह रात को अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर सो रही थी, तभी तेंदुआ वहां आया और मासूम की गर्दन को मुंह में दबोच कर ले जाने लगा। बच्ची के चीखने पर परिवार के लोगों की नींद खुली और पिता लाठी लेकर तेंदुए से भिड़ गया। थोड़ी दूर जाकर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। ये घटना बुधवार देर रात 2 से 3 बजे के सिमरौल थाना क्षेत्र के चोरल रेंज के मेंडल गांव में हुई है। 7 साल की रुबीना अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर सो रही थी, तभी तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया। बेटी को बचाने के लिए बच्ची का पिता राजू लाठी लेकर तेंदुए के पीछे दौड़ा। शोर सुनकर गांव के लोग भी आ गए। ग्रामीणों ने पत्थर फेंक कर बच्ची को बचाने की कोशिश की। तेंदुआ कुछ दूरी पर बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची का गला बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तेंदुए के दांत गले के अंदर तक जाने से बच्ची की सांस रुक गई। कुछ देर बाद उसकी वहीं मौत हो गई। परिजन इलाज के लिए मासूम को अस्पताल तक नहीं ले जा सके। बच्चे के माता पिता गांव और जंगलों में मजदूरी करते हैं, इसके चलते जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं। वन विभाग के अनुसार घटना बुधवार रात 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। वन विभाग ने बताया कि चोरल रेंज में तेंदुए के मूवमेंट होते रहते हैं, इसी दौरान कई बार हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं। वन विभाग द्वारा तेंदुए के पग मार्क से उसकी तलाश की जा रही है।